तो वुवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं दाल माश का पराठा। शुरू से लेकर एंड तक हमारे साथ रहिएगा जानने के लिए कि हम कैसे इसे तैयार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम भी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह पाक सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज हम आपके लिए पराठे की रेसिपी लेके आए हैं, जो हमने कल सालन बनाया था दाल माश का, वही अब हम सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करेंगे, इसके पराठे बनाएंगे। ये मैंने जो बची थी दाल, उसमें थोड़ा सा मैंने धनिया डाला सब्ज़, और आधा चम्मच जीरे का डाला, और थोड़ा सा नमक, और चार सब्ज़ मिर्चें, और हल्का सा इसे मैंने मैश कर लिया। और अब हम आटा मैंने गूंद लिया था, आटे में एक कप मैंने मैदे का डाला, उससे ना पराठे बहुत अच्छे और क्रिस्पी से बनते। और मैं अब इसे इस तरह पहले हाथों से करूंगी और फिर हम इसके पराठे बनाएंगे। वैसे तो मैं रोटी हाथ से बनाती हूँ, कभी चकना बेलना ये मैंने इस्तेमाल नहीं किया। तो ये इस तरह की रोटी बनाने के लिए आलू वाला पराठा और मूली वाला ये इस टाइप के तो फिर करना पड़ता है साग वाला। ये हम देखें रोटी इस तरह बेल रही हैं। अब मैं इसे हाथों से करूँगी ज़रा बड़ी, क्योंकि मुझे आदत नहीं है चकने बेलने की, ये मजबूरी है फिर करना पड़ता है। ये देखे मैंने रोटी इस तरह कर ली है बड़ी, और अब इसमें तो ये बहुत अच्छा लगता है नाज़रीन, सुबह सुबह का नाश्ता दही के साथ, सादा दही भी हो तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये मैंने ज़्यादा स्पाइसी वाला बनाया है। इसमें और सब्ज़ मिर्चें भी डाली हैं, और ज़ीरा भी, और सब्ज़ धनिया भी, तो और सादा दही के साथ ये बहुत अच्छा सा पराठा बनेगा, क्रिस्पी सा, स्पाइसी भी। इस तरह हम इसे साइडों से हाथों से भी इस तरह ये दबा देंगे। और ये देखें बस मुझे हाथों से ही बनाने की आदत है, आजकल की बच्ची है तो बनाती चकने बेलने से। इस तरह जितनी बड़ी मर्जी ये कर सकते पराठा, इसे जितना मर्जी कर लें बड़ा। ये देखिए अब हम इसे आहिस्ता से पलटेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा आयल घी लगाएंगे। अब मैं इसके साथ साथ ही दूसरा भी पराठा तैयार कर रही हूँ।
साइड आप पलटेंगे, देखे माशाल्लाह कितना अच्छे वाला पराठा तैयार है। और ये मैंने दूसरे पराठे में डाल दी। थोड़ा सा जम गया। अब हम इसे उतार लेंगे। तो ये देखिए नाज़रीन, हमारा पराठा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो शेयर करना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।